वैसे मुझे डाउट तो पहले से ही था इस ट्रेलर पे कि ट्रेलर उतना भी कोई इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला है जाह्नवी की। अगर मैं बात करूँ पर्सनली, ठीक ठाक काम, ये नहीं कि बहुत बेहतरीन, बट अगर वॉइस छोड़ दे अगर श्रीदेवी जी जैसी, तो आई डोंट थिंक कि जाह्नवी, मतलब ठीक है यार, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। और जब पता चला कि भाई मेकर्स राजी वाले हैं, तब तो भाई कंफर्म हो ही गया कि ये फिल्म कितनी बड़ी क्या ही होने वाला है। और ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे ट्रेलर से पहले फिर भी कोई उम्मीद थी, लेकिन जो मेकर्स राजी में पाकिस्तान को पीसफुल दिखा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सीरियसली बोल रहा हूँ, ये ट्रेलर मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट लुक्स इरिटेटिंग। मतलब ये जो ट्रेलर था, ये जो कुछ भी दिखाना चाहते, हमें कोई मिशन को लेके, हम कितने एक्साइटेड चाहिए वैसे देखा जाए तो, मतलब कोई मिशन वाली फिल्म है, एक एक्साइटमेंट चाहिए। और ये नहीं कि हम टाइम पास, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई आप कुछ मास मसाला टाइप दिखाओ इसमें, ऐसा भी नहीं है। वो ट्रेलर अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको कोई भी एंगल से बोरियत ही महसूस होगी, ये मुझे तो लगा भाई। मुझे नहीं पता बाकी जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स आ जाएंगे मुझे कुछ ज्ञान पढ़ाने, तो पढ़ाओ, बट इससे मेरा राय तो नहीं बदलेगा ना, मैं मेरा ओपिनियन ही दूंगा ना। ट्रेलर और ये फिल्म आ रही है शायद औरों में कहा दम था के साथ क्लैश करने। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि औरों में कहा दम था का भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेलर था, बट फिर भी अब क्लैश हो रहा है, तो आपका ट्रेलर ऐसे टाइप का चाहिए था जो उस ट्रेलर को थोड़ा सा ओवर शेडो कर दे, तो शायद हम बोल सकते थे कि ये फिल्म टक्कर दे देगी उस फिल्म को। मुझे नहीं लगता है कि टक्कर दे पाएगी भाई। अब यहाँ पे कुछ मेकर जो है अपने, जो बॉलीवुड वाले हैं, डेफिनेटली करण जौहर वगैरह टाइप के लोग सपोर्ट करेंगे जाह्नवी को, नो डाउट, बट इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए ना ऑडियंस पे। वो तो देखते हैं क्या होगा। ट्रेलर मैं बुरा नहीं बोलूँगा, बट इट लुक्स एवरेज, एटलीस्ट मुझे तो एवरेज ही लगा।